I wanted to be single for a while because I had come out of a couple of difficult relationships, and I was going through this phase where I said, I just want to be, not be attached and not be committed, and I just want to have fun. जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अपनी प्रेमिका से दूर होना है, डाइवोर्स चाहिए, ब्रेकअप कराना है, कलेश, अपनी इमेज की धज्जियां उड़वानी है, तो बस इसके साथ कॉफी पी लो। बस शो का नाम ही कॉफी विद करण है, बाकी मुझे लगता है कि पिलाई तो वहां पे वोडका जाती है, जिस हिसाब से गेस्ट अपनी अलग ही एक डार्क साइड खोल के रख देते हैं। इस शो का नाम कॉफी विद करण से बदल गया ना, पड़ी लकड़ी विद करण रख देना चाहिए। और इस बार पड़ी लकड़ी ली है दीपिका और रणवीर ने, बाकी उस लकड़ी का दर्द सिर्फ रणवीर को हुआ है। जो लोग अनपढ़, गंवार, थोड़े पिछड़े हुए हैं, मंदबुद्धि, छोटे शहर से हैं, जो अपनी लाइफ में बिजी भी हैं और खुश भी हैं और कॉफी विद करण जैसा शो नहीं देखते, उनको मैं कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं कि शो पे अदर साइड ऑफ लाइफ के नाम पे सेलिब्रिटी सेक्स सूक्स की बातें करते हैं, जैसे हमारे नोटा पॉडकास्ट पे छोटे मोटे यूट्यूबर्स करते हैं। तो अभी शो का एक नया सीजन आया जिसके एपिसोड 1 में दीपिका रणवीर गेस्ट बन गया है, और वहां पे दीपिका ने रणवीर के सामने बोल दिया कि टेक्निकली, ग्रेजुअली, लेस इमोशनली, कैजुअली, बेसिकली वो 3-4 लड़के घुमा रही थी, मतलब इन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड वे, शी वाज सीइंग 3-4 अदर गाइस व्हाइल शी वाज मेंटली विद रणवीर सिंह। तो अब पूरे इंटरनेट में बहस छिड़ी हुई है, जो लोग दीपिका के फैंस हैं, दीपिका की साइड ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया देखो वो दोनों सिर्फ डेट कर रहे थे उस टाइम पे, जबकि जो रणवीर सिंह की साइड ले रहे हैं, लड़कों की साइड ले रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, वो दोनों उस टाइम पे कमिटेड थे, तो वो ऐसा कैसे कर सकती है। जबकि मैं ये कह रहा हूं कि भाई रणवीर सिंह को देखो, उसका चेहरा विल स्मिथ वाली लैंग्वेज बोल रहा है। वहीं इंटरनेट ने रणवीर सिंह की भी एक बड़ी पुरानी वीडियो निकाल ली इसी शो की, जहां पे कुछ टाइम पहले रणवीर भाई अनुष्का के लिए भी सेम बात बोल रहे थे कि जब मैं पहली बार अनुष्का से मिला तो दरवाजे खुले, हवा आई, फिजाओं में महक उठी। और सेम बात भाई सेम शो पे 10 साल बाद दीपिका के लिए भी बोल रहा है कि दरवाजे खुले, दीपिका आई, उसके पीछे से हवा आई और साथ में फिजाओं में वापस से महक उठी। भाई की हर लव स्टोरी की सेम ही स्टोरी है। तो इस सब में सबसे ज्यादा दिल जिसका टूटा है वो रणवीर नहीं है, दीपिका नहीं है, वो है साउथ दिल्ली की साक्षी, जो रणवीर दीपिका की फोटो अपनी स्टोरी में लगाती थी, हैशटैग कपल गोल्स, हैशटैग ड्रीम कपल, हैशटैग ओ माय गॉड द वे ही लुक्स एट हर, ये सब करके। इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि साक्षी अपने बीकॉम फाइनल ईयर में ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारी शादी रणवीर सिंह से नहीं बल्कि धर्मवीर सिंह ठेकेदार से होनी है। अब देखो प्रॉब्लम ये नहीं है कि दीपिका ने पब्लिकली ये सब बोल दिया या रणवीर बेचारा अकेला ऐसा बंदा नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि सेम सिचुएशन हमारी पूरी अपकमिंग जनरेशन की है। दीपिका के बैंक अकाउंट में तो फिर भी 1,000 करोड़ रुपए हैं, बेचारों के इनके बैंक अकाउंट में सिर्फ 1,000 रुपए ही हैं। जिस हिसाब से आजकल 16-17 साल के बच्चे अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत डाल के टिंडर बंबल चला रहे हैं, अपना बॉडी काउंट फ्लेक्स कर रहे हैं, ये लोग कितने इमोशनली अनअवेलेबल होंगे अपने पार्टनर्स के लिए आने वाले टाइम में। आप एक जगह से कितने ग्लास पानी निकाल लोगे? हम सबके अंदर एक फिक्स अमाउंट ऑफ प्यार और इमोशंस होते हैं किसी को देने के लिए। इस जनरेशन का हाल तो बॉलीवुड से भी खराब होने वाला है। ओपन रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, सीइंग हिम हर, जस्ट डेटिंग, नॉट कमिटेड, ये सब प्रैक्टिकल चीजें नहीं होती। या तो आप किसी के साथ हो या आप किसी के साथ नहीं हो। अगर इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे इस चीज को तो समझ जाना तुम्हारा फ्यूचर भी यही है, विद एम्प्टी पॉकेट्स। दीपिका रणवीर वाली बात तो एक बहुत अच्छा मिरर है हमारी जनरेशन के लिए। उन्होंने चलो कॉफी विद करण में आके जो सब भी बोल दिया, जैसे भी बोल दिया, एक शो पे आके कुछ बोल दिया, शायद उनकी पर्सनल लाइफ में ऐसा कुछ हो भी ना, और शायद हो भी तो हमें क्या लेना देना भाई, वो हमसे बहुत अलग तरह की लाइफ जी रहे हैं। अभी बात करते हैं हम अपनी सोसाइटी की, अपनी जनरेशन की। एक हो गई रिलेशनशिप, एक हो गई शादी, एक हो गया ब्रेकअप, एक हो गया डिवोर्स, एक हो गया अफेयर, एक हो गई चीटिंग। मैं कहता हूं आज के टाइम में सब कुछ जायज है, अगर आपके अंदर एक्सेप्टेंस है तो। आप इसमें से कुछ भी कर रहे हैं ना, आप सिंपल रख के एक्सेप्ट कर लो। अभी मेरी बंदी है, मैं कह रहा हूं मैं इसके साथ खुश नहीं था तो मैं किसी और के साथ लग गया, मैंने इसको चीट कर दिया, एक्सेप्टेड। वहीं मैं इस बात को सजा धजा के बताना शुरू कर दूं कि नो, इट वॉज नॉट चीटिंग, आई वॉज मेंटली विद हर, बट आई वॉज क्रेविंग फॉर समथिंग एल्स, इसने मेरे को इमोशनली समझा, मेरे अंदर कुछ था जो सिर्फ यही समझ पाई और हम दोनों ने एक अलग स्टेट पे जाके एक्सप्लोर किया, बट मैं इसको चीट नहीं कर रहा था, स्टिल आई वॉन्ट हर। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। फिर मैं खुद का चूतिया बना रहा हूं, और सबसे बड़ी बेवकूफ ये, अगर तुम इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हो ना इन चीजों को, तो तुम खुद का ही काट रहे हो। जीवन में करने के लिए बहुत सारे काम है इससे बड़े बड़े, तो जस्ट छोटा सा पार्ट है लाइफ का, आप किसी से प्यार कर लो, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, किसी से शादी कर लो या चीटिंग कर लो, जो भी कर दो, बहुत छोटा सा पार्ट है, करके एक्सेप्ट करके निकल जाओ। वरना सुबह से शाम तक आप अपनी हरकतों को सोफिस्टिकेटेड तरीके से जस्टिफाई करते रह जाओगे, बस इसलिए कि वो सामने से सजी धजी लगे। ये रिबाउंड सिचुएशनशिप कुछ नहीं होता भाई। अगर तुम्हें एक से दूसरे चौथे पे, पांचवे, छठे पे जंप करना है, तो उसको भी एक्सेप्ट करके करोगे, भाई मैं तो ऐसा ही हूं, डिसलोयल, मजे मारने वाला। मेरे लिए लाइफ का मतलब, लाइफ का मीनिंग यही है। अगर किसी को गलत लगता हो तो उसको लगे उसकी गलत की डेफिनेशन ये होगी, मेरी सही की डेफिनेशन यही है। मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा, कोई मुझे कुछ मत कहो, और बाकी पूरे दिन अपना काम करूंगा, मैं तो जी ऐसा ही हूं, खत्म बात। सेम ये वही बात है, किसी के लिए शराब पीना है, शराब पीने वाले लोग बहुत गलत है, बट मुझे तो नहीं गलत लग रहे भाई, मैं तो पीता हूं जी, मैं तो पी के बहुत कामयाब हो गया, और वो भी पीते थे मिस्टर फलाना फलाना जी, वो भी पी के बहुत कामयाब हो गए। अच्छा, वो मिस्टर ढिमकाना जी वो पी के खराब हो गए, वो आपका एग्जांपल है जी खराब का। मेरी डिक्शनरी में शराब पीना ठीक है,
अब अगर मैं इतना कर दूं कि मैं शराब पीने वाला हूं और मैं शराब पी के कहने लगूं नहीं भाई मेरी तो लाइफ की मौज मस्ती, लाइफ जीने की डेफिनेशन यही है, एक वो हो गया मैंने एक्सेप्ट कर लिया पीपा के, दूसरा मैं लोगों को ये बता रहा हूँ या मैं अपने घर वालों को बता रहा हूँ या दुनिया के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि मैं शराब थोड़ी पी रहा था यार, ये तो सड़े हुए फलों का पानी है, ये तो जौ का पानी है, अजी ये तो गन्ने जो हम खेत में बोते हैं ना वही तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू मिल वील में को होकर डिस्टिलरी में को निकल के आते हैं, ये तो जो प्योर वेज प्रोडक्ट है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, शराब थोड़ी है, किसका बेवकूफ बना रहा हूँ, मींस ये तो मुझे पता है कि मैं पी रहा हूँ और पीऊंगा भी बट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, सो बेटर है उस चीज को एक्सेप्ट कर लो ना, लोगों के लिए शायद वो गलत चीज होगी बट अगर तुम्हें ठीक लग रहा है अपने लिए तो ठीक है। ओए तू अंदर क्या कर रहा था मेरी बंदी के साथ? तेरी बंदी? ब्रो इतनी ऑपरेसिव बातें मत किया अगर, शी हैज हर ओन आइडेंटिटी। अबे हाँ तो तू और वो ओन आइडेंटिटी वाली मिलके मुझ पे चीट कर रहे थे यार। चीट? भाई चीट इज सच अ हैवी वर्ड। देख तेरी बंदी फिजिकली तो तेरे साथ है बट हम सबके अंदर एक सोल होती है, तू उसकी सोल की नीड नहीं पहचान पाया, तू उसको फिजिकली तो सेटिस्फाई कर पा रहा है क्योंकि तेरे को उसकी सोल से प्यार नहीं है, उसकी बॉडी से प्यार है, तू उसके इमोशंस नहीं पहचान पाया बट मेरी सोल ने उसकी सोल की क्रेविंग्स पहचानी, फिर हम दोनों की सोल की मीट हुई और हम दोनों के सोल का कन्वर्जेंस हुआ। तेरे को पता है उसको शुद्ध भाषा पे क्या बोलते हैं? ट्विन फ्लेम्स। छी भाई कितनी घटिया सोच है तेरी, मुझे शर्म आती है तुझे अपना दोस्त बोलते हुए भी, हट। सो द फर्स्ट मीम इज जोमेटो डिलीवरी बॉय बोल रहा कुछ हजदे चेहरिया था मतलब असल में मैं बता रहा ये सब सीन क्यों हुआ, जो भी रणबीर दीपिका का सीन आप देख रहे रणवीर दीपिका का एक सीन और हो जाता अभी उसका मेन रीजन ये है कि रणवीर सिंह पहली बार डिसेंटली सिंपली ड्रेस्ड था। अच्छा मैं बता रहा हूँ वो बीच में चश्मा तो बदल ले पहले अपना। नहीं आज ओल्ड हर्ष डागर इज बैक हो गया, मेरा 4 साल पुराना चश्मा बंदा लगा लिया। मेरी वीडियो 12 मिनट की हो तो फटाफट बता। चलो दिख रहा तुझे क्या कह रहा था तू आगे? ये सब इसलिए हुआ रणवीर डिसेंटली ड्रेस्ड है पहली बार, रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहने ना। नहीं तो बच गई थी जान। रेयर मोमेंट ऑफ धोनी वेस्टिंग हिज टाइम। आजकल धोनी किसी से भी कोलैब कर रहा है यार, दिक्कत वहां आ रही है। ये तो पुराना है। नहीं ये कोलैब तो बहुत पहले हो चुका था रे। ANVERSIGNG ये हटा दो। SIGNG सही दिख रहा है। चश्मा सही है बिल्कुल। SIGNG है चाहिए हटा दो। शुरुआत के में भी गड़बड़ कर गया मुझे अभी से ऐसा लग रहा। शुरुआत का वर्ड रख लो बस। एक बार को कॉफी विद करण के एडिटर को भी कुछ खराब नहीं लगा यार, तू क्या करने लग रहा? मुझे लगा करण ही पीछे बैठ गए। मैं तो स्कूप मिल रहा था वो एक ही छोड़ दे। इसे स्कूप बोल रहे हैं? क्या वो स्कूप मतलब कुछ भी इंटरेस्टिंग बात? हमारे एडिटर को क्यों कुछ स्कूप नहीं मिलता? ऐसी टर्म्स पता हो गए तुझे। अच्छा रचित हमारी वीडियो में क्या लैकलिस्टिंग लगे तुझे? लैकलिस्ट है क्या? चलो नेक्स्ट बोलना मार गया। अरे ससुलिया अरे तुम मुझे बता देना कि तुम्हारी लड़की की ये हाल है तो तुम्हारी लड़की से मैं शादी नहीं करता और तुम्हारे पिछवाड़े हुए 4 डंडे मैं अलग से मारता हूँ। आवाज भी आई है उसकी घर की। हर जगह रिलेवेंट हो जाए आदमी यार। तेरे बेड पे भी रिलेवेंट हो जाए। I wanted to be single for a while because I had come out of a couple of difficult relationships and I was going through this phase where I said I just want to be. चहल किंग को इंक्लूड क्यों कर दिया इसमें? चहल वाले तो मुझे ठीक लगे थोड़ी सी, मतलब मीमर्स ने बदनाम कर रखी है वो। दिनेश कार्तिक ये बहुत सैड ट्रेजिक स्टोरी है रे। तुझे नहीं पता इसके टीममेट ने इसकी वाइफ चुरा ली थी मुरली विजय ने, और अब मुरली विजय जहाँ भी खेलने जावे डीके करने लगे सब। तूने जब बोला ना वाइफ के बाद चे आया तो मुझे लगा कि बहुत ही गलत शब्द आने वाला है। ये सब इसके करण के शो पे क्यों हुआ ऐसा? नाइसिल पाउडर पहले ही सुंगा दिया था उधर। मानता ही नाचे भी नहीं हर जगह। इसका वो देखा तूने ईशा अंबानी की शादी में नाचा थे? अच्छा बहुत अजीब डांस है। अच्छा तो फिर आप क्या लेंगे पीने में? I'll have coffee. अरे भैया कॉफी की बात मत करो, तुम्हारे साथ कॉफी पीना मतलब पड़ी लकड़ी अंदर लेना। एक सेकंड एक बात है, करण भाई जिसके पीछे खड़े हो जाते उसकी लाइफ कहीं की कहीं पहुंच जाती है, बस वो झुके ना। झुक गया। बस ये गलती कर दी रणवीर भाई ने।
और वो जो अभी क्लिप थी भुवन की वो लाइव चला था YTFF पे, YouTube फैन फेस्ट पे लाइव पूरा बीबी ने परफॉर्म किया था वो बड़ी बात, गोट फॉर अ रीजन है YouTube गोट। पांच ये नीचे वाले किंग कौन है? ये बहुत सबसे पहला बॉयफ्रेंड था, सबसे पहला बॉयफ्रेंड था। अब क्या कर रहे हैं लाइफ में, मैं जानना चाहूंगा। लिंक्डइन खोलिए इसका, कोहली गढ़ले इसका तो मिल जाएगा नंबर की इतना कामयाब नहीं अच्छा इनकी पीआर टीम ने एकदम ही इनका वो जो है ना शादी वाली एल्बम के फोटोज और वो सब एकदम ही रिलीज कर दी, अनसीन अनसीन। अब वे चल रहे हैं, अभी गए हैं वे। हां पीआर टीम 1980 वाली स्ट्रेटजी यूज करे, नुगो हम हेट रोक देंगे। अच्छा मैं तुम्हारे सोलो ओपिनियंस जानना चाहूंगा बग्गे जी, आप बताओ कि इसमें दीपिका सही है या गलत? बस सही गलत, गलत है यार कहीं ना कहीं। तेज की नहीं बोल पाए तुम ये लेकिन गलत है भाई। मैं तो ये कहूँगा टोटल जितना भी मैंने कंक्लूजन निकाला है सबसे कि ठीक है यार उसकी लाइफ है शायद रणवीर सिंह ऐसे, तो ये तो आज पब्लिकली आई है बातें रणवीर और दीपिका के बीच में, तो पता नहीं कब से होंगी, अगर चल रहा तो बहुत बढ़िया है, सब्जेक्टिव है सब। तो गलत है यार ये जो मीमर्स हैं ये गलत है। तुम्हारी बातों में कन्विक्शन ही नहीं है, ये गलत। मैं तो दोनों के ही फेवर में, मैं यूं कह रहा मैं दोनों को सही नहीं कह रहा बट मैं दोनों के ही फेवर में। तुम्हें कौन ऐसा लगे कि कपल कौन कपल? विराट अनुष्का जिनेलिया और रितेश। यार रितेश की वाइफ मतलब मुझे बहुत अच्छा। तुम यूं कहना चाह रहे हो जो लड़की शादी के बाद मूवी छोड़ दे? नहीं नहीं ऐसा नहीं, मतलब यार वैसे है तो मिसोजिनिस्टी कर दी 20 लाख लोगों के सामने मिसोजिनी। अच्छा मुझे कह रहे क्या? मैं तो कुछ बोल रहा ही नहीं भाई। अच्छा अगर तेरी वाइफ एक सक्सेसफुल यूट्यूबर है और शादी के बाद कोई सक्सेसफुल यूट्यूबर लड़की है नहीं अभी तो कॉफी विद करण पे गए नहीं तो भाई अभी तो चाय विद लक्ष्य ही है क्या बता के पूछ आगे पूछ। अगर कोई सक्सेसफुल यूट्यूबर है लड़की, ठीक है मान लो उसे हमारे से भी सबसे मिला के ज्यादा व्यूज आ रहे हैं 10-12 मिलियन पर वीडियो, लेकिन कंटेंट हल्का सा क्वेश्चनेबल है, समझ रहा? बटन थोड़े एक्स्ट्रा खुले रहे भाई, तो सोफियन तो रही बात क्यों तो तू अलाउ करेगा शादी के बाद या नहीं उसे करने को? मैं शादी नहीं करने का, डब्ल्यू ओपिनियन भाई। मैं उसे गलत नहीं कह रहा बट मैं नहीं चाहता मेरी वाइफ गलत नहीं कर रहा तो शादी क्यों नहीं कर रहा? अरे तो जिसे मैं गलत नहीं कह रहा सबसे शादी कर लो, उसकी लाइफ है वापस, बात सब्जेक्टिव है, उसकी वाइफ है, उसका कोई हस्बैंड होगा वो दोनों उसकी वाइफ है, उसकी वाइफ नहीं लाइफ, मतलब उसका कंटेंट है, वो किसी की वाइफ होगी शादी होगी उसकी कहीं, वो उनका अपना है, बहुत अच्छा चल सकता है, मैं सपोर्ट करूंगा सब है, मैं नहीं नहीं तू उसे शादी के बाद की सपोर्ट क्यों नहीं करेगा तू भाई? मेरे घर वालों को नहीं बर्दाश्त होगा भाई, हो जाले मुझे भी नहीं, घर वालों ने कह दिया बेटे तेरी मर्जी। भाई मेरे मोहल्ले पड़ोस को नहीं होगा मोहल्ले पड़ोस का क्या ले? भाई मेरे दोस्त चिनाल है, मैं ऐसी लड़की से कर नहीं सकता, ये जीन नहीं देने के सब बताओ। भाभी के सामने खास कर जाया करेंगे कर लूंगा मैं, कर लूंगा। अब आपको बड़ी फीमेल ऑडियंस, अब आप ही सोसाइटी के लिए एक सही यूट्यूबर बने। तो तुम कह रहे निधि चौधरी से शादी कर लूं? क्यों नहीं, रोज पूछा करूंगा मैं आज का दिन कैसा जाएगा। भाई निधि मैं कुछ नहीं बोल रहा, जो बोल रहा है ये बोल रहा है, इसका नंबर मैं दे दूंगा अलग से गाली देने के लिए प्लीज। स्कोप है बैठने का या बोल के लोग बताओगे कि ये ठीक है लोग या नहीं है? ये चैनल तो बहुत डिप्लोमेटिक था, इस पे क्या होने लगे, इस पे क्या होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और हमारा दूसरा चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स, अगर हर दूसरे दिन एक खूबसूरत चेहरा देखना है तो वो वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना।